दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन किसी तरह कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है और उसके लिए आप अपने खुद की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्कुल फ्री में क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल फ्री में पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी किस तरह की बनने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक बना के आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नेम आ जाता है, यहाँ पर आपकी पूरी कैटेगरी आ जाती है और यहाँ पर आप अपने बारे में दे सकते हैं। इसके बाद में जैसे अबाउट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका अबाउट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने बारे में पूरी डिटेल दे सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि सर्विस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सर्विस वगैरह ऐड कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपके बिजनेस के बारे में कोई सर्विस आप ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। अपनी स्किल के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दे सकते हैं, कौन कौन सी स्किल पे आप वर्क करते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो इसी तरह की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए आप, या फिर अपनी ऑनलाइन सर्विस वगैरह के लिए, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिए। क्योंकि इसमें जो वेबसाइट में आपको थीम मिलेगी, ये टेम्पलेट भी बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है, कोई होस्टिंग है, तो आप उस पर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई सब डोमेन क्रिएट करके उस पर आप इसको बना सकते हैं, या फिर आप सब डायरेक्टरी पे भी जा सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारी फ्री होस्टिंग मिल जाती है जैसे कि प्रो फ्री होस्ट वगैरह के अलावा इन्फिनिटी फ्री वगैरह, जो कि आपको सब डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, कि आपको एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। तो वो टेम्पलेट आपको कहाँ से मिलेगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। चलिए मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा टेकी शरीफ, और जैसे आप टेकी शरीफ लिख के यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पोर्ट साइड एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है, इस सर्च बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिख देना है पोर्टफोलियो और इसको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगी पोर्टफोलियो वेबसाइट फ्री में कैसे बनाए। इसको आपको ओपन करना है और इसको ओपन करेंगे तो वो थोड़ा बॉटम पे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक टाइमर मिलेगा। इस टाइमर को आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट किस तरह का मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस तरह की एक जिप फाइल मिलेगी। अब आपको वेबसाइट बनाने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, कि सबसे पहले तो आपको अपने होस्टिंग के सीपैनल में चले जाना। चलिए इन सबको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने होस्टिंग के सीपैनल में आ चुका हूँ। अगर आपके पास कोई होस्टिंग है आप उसको यूज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारी फ्री होस्टिंग है आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुल मिला के जो भी होस्टिंग आप यूज करना चाहते हैं, आपको अपने डोमेन को कनेक्ट कर लेना है या फिर अपना डोमेन अपना सब डोमेन क्रिएट कर लेना है, सब डायरेक्टरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने सीपैनल में आना। सीपैनल में आने के बाद आपको चले जाना होगा अपने फाइल मैनेजर में। चलिए मैं अपने फाइल मैनेजर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिक HTML वाले फोल्डर में चले जाना है। इस फोल्डर में आने के बाद अगर आप मेन डोमेन पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेन डोमेन पे यहीं पर उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ। तो सब डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूंगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ पोर्टफोलियो। और चलिए क्रिएट न्यू फोल्डर पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो के नाम से हमारा एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको चलिए ओपन करते हैं। अब इसी फोल्डर में मैं उस स्क्रिप्ट को यानी कि उस टेम्पलेट को अपलोड करने वाला हूँ। तो अपलोड करने के लिए आपको ऊपर की साइड अपलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपको अपने PC से उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ से इस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से ओपन करके अपलोड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपलोड हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 757 KB का ये टेम्पलेट है। तो चलिए गो टू होम पे वापस क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जिप फाइल आ चुकी है। अब सबसे पहले तो इस जिप फाइल को आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। चलिए मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, क्लोज करेंगे और इसको एक बार रिलोड कर देते हैं। तो अब चलिए इस जिप को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद में आपको करना क्या होगा दोस्तों, कि इसको आपको ओपन करना है। इसमें आपको चार फाइल मिलेंगी, इसको आपको सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करके आपको मूव करना है और वन स्टेप पीछे इसको, यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो के नाम से जो फोल्डर है हमें उसी में इसको मूव कर देना है। चलिए इसको मूव कर देते हैं। यहाँ से ये एम्प्टी हो चुका है और यहाँ से चलिए हमारे ये चारों फोल्डर आ चुके हैं। अब ये जो ब्लैंक फोल्डर बचा है इसको भी हम यहाँ से
डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब चलिए मैं अपने डोमेन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चलिए मेरा डोमेन है, लेकिन मैंने सब डायरेक्टरी क्रिएट की है, तो मैं यहाँ पर अपनी सब डायरेक्टरी का नेम दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको जैसे कि पहले से कस्टमाइज करके रखा हुआ था टेम्पलेट को, तो मेरा टेम्पलेट यहाँ पे वैसा का वैसे ही आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग किस तरह से करनी है, अपने डिटेल आपको यहाँ पे किस तरह से देनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं हेलो माई नेम इज, मैंने अपना नेम दिया हुआ है। आई एम ए ब्लॉगर डेवलपर डिजाइनर वगैरह, जो कुछ भी आपको फ्रीलांसर वगैरह ऐड करना है वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब इसको आपको चेंज किस तरह से करना है, चलिए उसकी भी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको फिर से अपने फाइल मैनेजर में आना होगा। अब यहाँ पर आपको जो इंडेक्स एचटीएमएल का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करेंगे, चलिए एडिट मोड में इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब आपको जो कुछ भी चेंजिंग करनी है इसी फाइल में से यहाँ से आपको चेंजिंग करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे कि हेलो माई नेम, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने नेम को यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल एफ दबाना है और यहाँ पर इस वाले को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नेम यहाँ पे आ चुका है। अब इसे अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, चलिए मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं चलिए चैनल नेम दे देता हूँ अपना टेकी शरीफ, और इसको मैं यहाँ से सेव चेंज कर देता हूँ। अब चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नेम चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेकी शरीफ आ चुका है। ठीक इसी तरह से आपको जो कुछ भी चेंजिंग करनी है उसको आप इस तरह से वन बाय वन चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, तो अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आपको इसी को सर्च करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टू स्टेप में यहाँ पे कोड लिखा हुआ है पोर्टफोलियो, ये अलग अलग। तो इसको आप किस तरह से चेंज करेंगे, तो जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ टेकी, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट सेंटेंस दे देना है और यहाँ पर आपको अपना सेकंड सेंटेंस दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल नेम को ही दे देता हूँ और इसको फिर से हम यहाँ से एक बार सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब ये जो पोर्टफोलियो, इसकी जगह पे आप देखते हैं कि हमारा नाम यहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे नेम आ चुका है, यहाँ पर भी मैंने नेम चेंज कर दिया है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको अबाउट मी का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पे अबाउट मी वाले सेंटेंस को यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अबाउट मी का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना नेम दिया हुआ, तो यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में ये नीचे मैंने डिटेल यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई है, ये इस डिस्क्रिप्शन को आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी चेंज कर पाएंगे। इसके बाद में आपको जैसे कि नीचे माई सर्विसेज का ऑप्शन आता है, तो आप माई सर्विसेज सेंटेंस को ऐसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपको माई सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अपनी जो सर्विसेज दी हुई है, जैसे कि वर्डप्रेस साइट वगैरह, और इसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस टू मेक अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट एट वेरी लो कॉस्ट। इसी तरह सेकंड सर्विस मैंने यहाँ पे दी हुई ब्लॉगर साइट, इसकी डिटेल मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट दी हुई है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर अपनी थर्ड सर्विस एड की हुई है और इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे वन बाई वन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है माई स्किल्स का, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से हम इस वाले सेंटेंस को जैसे ही सर्च करेंगे तो ये भी आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आप वन बाई वन अपनी स्किल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉगर एक्सपर्ट मैंने 92% दिया हुआ है, वर्डप्रेस एक्सपर्ट 90% दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको अपनी सर्विसेज के नेम चेंज कर सकते हैं, उनका यहाँ पे परसेंटेज भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में कॉन्टेक्ट मी का जो सेक्शन आता है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये भी आपको सिंपली मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट मी का ऑप्शन मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर आप इसको चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अपना नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपना नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, तो आप अपना मेल आईडी से इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। अपना जो एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अपना एड्रेस दिया हुआ था, ये सारी चीजें आप यहाँ से वन बाई वन करके पूरी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं आप। ठीक इसी तरह से जैसे कि नीचे मैंने यहाँ पे ये क्रिएटेड बाई, इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए और इसको कॉपी करने के बाद आप इसको भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं क्रिएटेड लिख के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसका फूटर क्रेडिट भी चेंज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी मेन वेबसाइट का URL यहाँ पे दिया हुआ, अपनी वेबसाइट का यहाँ पे टाइटल दिया हुआ, नेम दिया हुआ, इसको आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जगह आप अपनी मेन वेबसाइट का यहाँ पे URL पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से ईयर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस तरह से फुटर क्रेडिट को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये होगा टोटल तरीका दोस्तों कि किस तरह से आपको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करनी है और किस तरह से उसको चेंजिंग करना है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो इमेजेज वगैरह यानी कि फोटोज वगैरह, इनको आप किस तरह से चेंज करेंगे। तो इनको चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, चलिए इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ। आपको अपने सी पैनल में आना, यहाँ सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको इमेजेस का मिल जाता है।
इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी पूरी इमेज मिल जाएंगी। आपको वन बाय वन इन इमेज को चेक कर लेना है कि कौन कौन सी इमेज किस किस चीज़ की है। जैसे कि चलिए मैंने ऑफलाइन इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक न्यू फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और चलिए इस वाले टेम्पलेट को हम इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं। और चलिए जो मैं आप इसको ओपन करता हूँ और ये इमेज वाले फोटो में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में जो हमारी इमेज यहाँ पे लगी हुई है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इमेज हमारी फर्स्ट ऊपर लगी हुई है हमारे हेडर में, तो इसको चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर एक इमेज दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम यही इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपको इसी साइज की एक इमेज क्रिएट करनी होगी अपनी, और यहाँ पर जो भी नेम है जैसे कि बैनर नेम है तो आपको यही नेम उसमें देना होगा। आप इसकी इमेज वगैरह का साइज आप किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर आपको इसका साइज वगैरह की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिटेल पे जाएंगे कितने बाई कितने की ये इमेज है, इसकी विथ कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक इतनी विथ और हाइट की आपको एक अपनी इमेज क्रिएट करनी होगी और उसको यहाँ पे रीनेम कर देना होगा बैनर के नाम से। इसको डिलीट कर देना और ये पूरे फोल्डर में आपको अपलोड करने से पहले अपनी इमेजों को रिप्लेस कर लेना है। ठीक इस तरह से इसको डाउन करेंगे, ये सेकंड इमेज है, ये भी आपको देखने को मिल रही है प्रोफाइल वन के नाम से, तो इसी नेम से आपको यहाँ पे रखना है। यानी कि जितनी भी इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है सारी आप इस फोल्डर में से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इमेज का साइज भी वही होना चाहिए जो रियल इमेज का है, और इससे आपको रिप्लेस करना, और जो इसका नेम है वही नेम आपकी इमेज का आपको रख देना है। तो इस तरह से आप इसकी इमेज वगैरह को भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका कोई बिजनेस है और आप उसके लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन किसी तरह कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि यूट्यूब से रिलेटेड, अगर आप एक डेवलपर हैं, यूट्यूबर हैं या फ्रीलांसर हैं या ब्लॉगिंग वगैरह करते हो और आपकी मल्टीपल सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने कस्टमर को दिखाने के लिए अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और कोई आपकी डिटेल मांगता है आपके कस्टमर को, आप वो पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, यहाँ पर आपकी वो पूरी सर्विसेज वगैरह को देख सकता है, आपकी पूरी स्किल वगैरह को रीड कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्कुल फ्री में क्रिएट करना चाहते हैं तो इस मेथड से इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।